दोस्तों, इस बार होने वाले एशिया कप के लिए क्रिकेट लवर्स भाई टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। रीजन तो हम सभी जानते हैं, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला। 6 बार एशिया कप का खिताब उठा चुकी चैंपियन टीम भारत शनिवार से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में शुरू होने जा रहे एशिया कप में 7वीं बार खिताब अपने नाम करके अपना दबदबा कायम करना चाहेगा और ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड भी होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत ने अब तक एशिया कप में सबसे ज्यादा बार यानी कि कुल 6 बार खिताब जीता है दोस्तों। इनमें 5 बार वनडे और 1 बार T20 मैच में जीते गए खिताब शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाली इंडिया की टीम इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 7वां कप जाहिर सी बात अपने नाम करना चाहेगी। दोस्तों, एशिया कप के मैच शुरू होने वाले हैं तो आइए एक नजर एशिया कप की हिस्ट्री पर डाल लेते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कब कौन सी टीम ने खिताब जीता या फिर कौन सी टीम मुंह खाकर वापस अपने घर लौट गई। तो आइए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। एशिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत दोस्तों 1984 में की गई थी। इस टूर्नामेंट को शुरू करने के पीछे खास मकसद था, दरअसल मेकर्स एशियाई देशों के बीच अपनापन और कनेक्टिविटी बनाए रखना चाहते थे। इसलिए खेल से बेहतर रास्ता भाई क्या ही हो सकता था। इसलिए सन 1983 में एशियाई क्रिकेट परिषद का गठन किया गया। यहीं से इस टूर्नामेंट को भी आयोजित कराने का फैसला लिया गया, जिसके बाद पहली बार 1984 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे, एशिया कप का पहला टूर्नामेंट रोथमंस एशिया कप नाम से यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद से 2018 तक 14 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। शुरुआती दिनों में इस टूर्नामेंट को 2 साल के गैप पर आयोजित किया गया, लेकिन उसके बाद इसका आयोजन 4 साल बाद होने लगा। 2008 से इसे फिर से पहले की तरह 2 साल के अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है, यानी कि साल 2008 से हर 2 साल के गैप में इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 4 बार खिताब जीत चुका है भारत। यस दोस्तों, हम आपको बता दें, एशिया कप में सबसे ज्यादा सफल अगर किसी टीम को माना जाता है तो वो है इंडियन टीम। भारत अब तक इस टूर्नामेंट के 6 खिताब अपने नाम कर चुका है और इस बार 7वें की तैयारी में है। अप्रैल 1984 में यूएई के शारजाह में खेले गए एशिया कप के पहले टूर्नामेंट में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेटों से हराकर खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उसने 1988 में बांग्लादेश की मेजबानी में श्रीलंका को 6 विकेटों से मात देकर दूसरी बार खिताब पर अपना कब्जा जमाया था। भारतीय टीम ने एशिया कप में खिताबी हैट्रिक अपनी मेजबानी में 1990-91 में पूरी की थी, जब उसने श्रीलंका को 7 विकेटों से हराया था। इसके बाद उसने 1995 में शारजाह में ही श्रीलंका को 8 विकेटों से करारी शिकस्त देकर लगातार 4थी बार खिताब जीता। हम आपको बताना चाहेंगे, 1986 में खेले गए एशिया कप में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। 1986 में श्रीलंका ने इस खिताब को अपने नाम किया था। 1995 में खिताब जीतने के बाद भारत को अपने अगले खिताब के लिए 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि इन 15 सालों के बीच में वो 3 बार खिताब जीतने से चूक गया था और 3 बार श्रीलंका के हाथों फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 2 बार खिताब हाथ में आते आते जाने के बाद भारत ने 2010 में मेजबान श्रीलंका को 81 रन से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार एशिया का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, लेकिन इसके बाद वो 2012 और 2014 में फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहा। हम आपको बताना चाहेंगे, वनडे के रूप में खेले जाने वाले मैचेस के बाद साल 2016 में पहली बार T20 सीरीज की शुरुआत हुई और T20 सीरीज के पहले ही टूर्नामेंट में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को मात देकर खिताब अपने नाम किया। एशिया कप में भारत के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत ने एशिया कप के इतिहास में अब तक कुल 48 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उसने 31 जीते हैं और 16 हारे हैं, जबकि एक मैच का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। भारत के बाद एशिया कप में जो सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीम है वो श्रीलंका की टीम है। जी हां दोस्तों, एशिया कप में श्रीलंका अब तक 5 बार जीत का ताज पहन चुका है। हम आपको बता दें कि श्रीलंका 5 बार 1986, 1997, 2004, 2008 और 2014 में इस खिताब पर कब्जा जमा चुका है। उसने एशिया कप में अब तक कुल 52 मैचेस खेले हैं, जिसमें 35 जीते हैं और 17 हारे हैं। वहीं बांग्लादेश 2 बार 2012 और 2016 में रनर अप टीम रह चुकी है। बांग्लादेश ने 42 मैचेस खेले हैं, जिसमें 7 जीते हैं और 35 हारे हैं। पाकिस्तान ने भी 2 बार 2000 और 2012 एशिया कप का खिताब जीता है। उसने इसमें कुल 44 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 26 जीते हैं और 17 हारे हैं, जबकि एक का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। आइए आपको शुरू से लेकर एंड तक एशिया कप के आयोजन और उनमें विनर टीम के बारे में बताते हैं, ठीक है। दोस्तों, एशिया कप के लिए यूएई में साल 1984 में खेले गए टूर्नामेंट में भारत ने अपने दोनों मैचेस जीते हुए टूर्नामेंट पर कब्जा किया। श्रीलंका की टीम 1 जीत के साथ दूसरे और पाकिस्तान दोनों मैच हारकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं एशिया कप के लिए साल 1986 में श्रीलंका में खेले गए टूर्नामेंट में श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराते हुए टूर्नामेंट में अपना कब्जा जमाया। आपको बता दें, साल 1986 में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत ने भाग नहीं लिया था। तीसरा टूर्नामेंट साल 1988 में बांग्लादेश में खेला गया। इस मैच में भारत ने हिस्सा भी लिया और श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेटों से हराते हुए खिताब जीत दर्ज की।
1988 के बाद साल 1990 में एशिया कप का आयोजन अपने भारत में किया गया, जहां भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेटों से हराया। इस टूर्नामेंट का आयोजन 1995 में यूएई में किया गया, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 8 विकेटों से हराते हुए लगातार तीसरी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। साल 1997 में एशिया कप के लिए इस टूर्नामेंट को श्रीलंका में आयोजित किया गया, जहां श्रीलंका ने भारत को फाइनल में 8 विकेटों से हराते हुए दूसरी बार खिताबी जीत दर्ज की। साल 2000 में एशिया कप बांग्लादेश में हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को फाइनल में 39 रनों से हराते हुए पहली बार एशिया कप का खिताब जीता। संघ में हम आपको बता दें, 2000 के बाद इस टूर्नामेंट को 2 साल की जगह 4 साल बाद आयोजित करने का फैसला किया गया, इसलिए 2000 के बाद 2002 की जगह 2004 में एशिया कप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में खेले गए इस टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 25 रन से हराते हुए खिताबी जीत हासिल की। इसके बाद 2008 के एशिया कप का आयोजन पहली बार पाकिस्तान में किया गया, जहां श्रीलंका ने भारत को फाइनल में 100 रन से हराते हुए टूर्नामेंट जीता। साल 2010 में श्रीलंका में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 81 रनों से हराते हुए टूर्नामेंट को जीता। यहां से इस टूर्नामेंट का आयोजन एक बार फिर से 2 साल के लिए किया जाने लगा। 2010 के बाद 2012 में बांग्लादेश में पाकिस्तान ने फाइनल में बांग्लादेश को 2 रनों से हराते हुए टूर्नामेंट को जीता। भारत फाइनल में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुआ था। 2014 का एशिया कप बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 विकेटों से हराते हुए खिताबी जीत हासिल की। 2 साल बाद यानी कि 2016 में एशिया कप का आयोजन फिर से बांग्लादेश में हुआ, लेकिन इसके बाद ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया, जिसमें भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराते हुए एशिया कप को जीता। 2018 यूएई में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को आखिरी गेंद पर 3 विकेट से हराते हुए खिताबी जीत हासिल। अब ये बात तो भाई आने वाला टाइम बताएगा कि अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए इंडियन टीम इस बार अपना 7वां खिताब उठा पाती है या फिर नहीं, लेकिन फैंस इस टूर्नामेंट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अगर आप भी एशिया कप का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और संग में लिखिए आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।